वीडियो की थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया है आज हम किस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में मैं देबाशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने रेनीगुंडा की रिटायरिंग रूम की एक वीडियो आपके सामने लाए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज हम एक और जगह की रिटायरिंग रूम के बारे में चर्चा करेंगे। जगह है पुरुलिया। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमने जो पुरुलिया की सफर तय किए थे तब हमने पुरुलिया स्टेशन की रिटायरिंग रूम बुक किए थे, लेकिन इस बार हमें रिटायरिंग रूम इतनी आसान तरीके से नहीं मिला। क्या कारण है ये जानने के लिए इस वीडियो को धैर्य के साथ बिना स्किप करते हुए अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखते हुए रिटायरिंग रूम के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगी, जो हमने रेनीगुंडा की रिटायरिंग रूम की वीडियो में नहीं बताए थे। तो वो कौन सी बात है ये भी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो के अंत में हमने एक मैसेज दिया है, वो जरूर देखिए। तो फिलहाल जर्नी एक्सप्रेस अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो फिर तैयार हो जाइए हमारे साथ जानकारी से भरपूर एक और वीडियो देखने के लिए। साढ़े छह बजे हम लोग पुरुलिया पहुंचे। फिलहाल अभी हम लोग एक स्पेशल जगह में रुके हुए हैं, देबाशीष आपको इसके बारे में बताएंगे, ये भी जरूर देखिएगा। हम कहीं पे भी जाते हैं तो पहले से ही होटल या रिटायरिंग रूम ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। इस बार भी हमने पुरुलिया की सफर से पहले पुरुलिया स्टेशन की रिटायरिंग रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन हम जब वेबसाइट पे दिया हुआ नंबर पे कॉल की तब एक रेलवे स्टाफ ने हमें ये बता के आश्वासन दी कि आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पुरुलिया स्टेशन में आके बुकिंग कर सकते हो। तो हमने उनकी बात मानकर जब हमने पुरुलिया स्टेशन में रिटायरिंग रूम की खोज की तो वहाँ पे दो ऐसे इंसान बैठे थे जिनमें से एक इंसान को ये लगता है पुरुलिया रेलवे की रूल्स इंडियन रेलवे की रूल्स से अलग है, और वो इंसान बिना झिझकते हुए हमसे ये भी कहा यहाँ पे कोई रिटायरिंग रूम खाली नहीं है। जब हमने फ़ोन पे हुई बात को लेकर चर्चा की तो वो दोनों हमसे झगड़ने लगे। ऐसे बात कर रहे थे जैसे हमने कोई जुर्म किया और हमें सजा दिया जाएगा। एक बात आपको बता दूं, हमने रेनीगुंडा में रिटायरिंग रूम स्टेशन में आने के बाद ही बुकिंग किए थे। इसके कुछ देर बाद एक टीटी सर ने हमारी बहुत मदद की और हमें कुछ घंटों के लिए एक रिटायरिंग रूम की व्यवस्था भी कर दी। तो हम जर्नी एक्सप्रेस उस टीटी सर को धन्यवाद देते हुए भारतीय रेल से अपना आभार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों आपने जाना हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आप अगर रिटायरिंग रूम बुक करना चाहते हो तो पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है हर बार हर जगह पे इस टीटी सर की तरह कोई सज्जन आप सभी को मिले। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल को देख रहे हो उन्हें अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन दिया हुआ रहता है उसको प्रेस कीजिए, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। तो बेल आइकन प्रेस करने से आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ऑल ऑप्शन, नॉन ऑप्शन और पर्सनलाइज्ड ऑप्शन। तो आपको ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, अगर नए नए वीडियो जो आते रहेंगे इसके बाद आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के बीच शेयर करना। वीडियो की शुरू में जो महत्वपूर्ण बातें
आपसे कहने की आश्वासन हमने दिए थे वो बात आप सभी से करने वाले हैं। बात है कि अगर आप ये सोच रहे हो हम कहीं पे भी जाएंगे और 5-7 दिन के लिए रिटायरिंग रूम बुक कर लेंगे तो ये आप सभी की गलतफहमी होगी, क्योंकि रिटायरिंग रूम ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के लिए मिल सकता है, यानी कि 2 दिन आप ठहर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और न्यूनतम 3 घंटे के लिए बुक किया जा सकता है। तो आप सभी से ये अनुरोध है, किसी भी जगह रिटायरिंग रूम बुक करने से पहले ये जानकारी जरूर याद रखिए। अब जान लेते हैं रिटायरिंग रूम की फेयर कितनी होती है। भारतीय रेल के नियमों के अनुसार एक नॉन एसी डबल बेडरूम की भाड़ा 300 रुपये होती है। अगर 2 बेडरूम में 3 जने रहना चाहते हो तो 75 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एसी डबल बेडरूम की चार्ज है 400 रुपये। यहाँ पर डॉर्मिटरी की सुविधाएँ भी है। डॉर्मिटरी के लिए 75 रुपये पर हेड के हिसाब से देना पड़ता है। अगर रिटायरिंग रूम में ज़्यादा सुविधाएं हो तो इससे ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आप कैसे एक रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। सबसे पहले irctctourism.com वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद ऐसे एक पेज आपके सामने आएगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आपको सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आप नए यूज़र हो तो सबसे पहले नीचे देखिए एक रजिस्टर ऑप्शन है, वहाँ पे जाके पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद रिटायरिंग रूम ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे आपको टिकट का पीएनआर नंबर देना होगा। पीएनआर नंबर देने के बाद सर्च कीजिए कौन से स्टेशन पे रिटायरिंग रूम लेना चाहते हो, ये भी सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद एक और पेज आपके सामने खुल जाएगा कुछ इस प्रकार का। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करके आप सभी ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेशन में रिटायरिंग रूम खाली है या नहीं। अगर रिटायरिंग रूम खाली है तो रिटायरिंग रूम बुकिंग फॉर्म को खोल लीजिए और सही जानकारी के साथ फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आप सभी को। फॉर्म फिलअप करने के बाद एक और पेज आएगा जहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेज कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ से आपको जिस पेमेंट मेथड में ट्रांजैक्शन करना सुविधा होगी वो सिलेक्ट करके कंफर्म कर दीजिए। इससे आपकी रिटायरिंग रूम बुक हो जाएगी। इस वीडियो में हमने कुछ हद तक दिखाने की कोशिश की ताकि ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त आपको सुविधा हो सके। आशा करता हूँ इससे आप सभी को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूँगा जो दोस्त हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं, जैसे कि पल्लवी मित्र, दीपाली घोष और ई सरकार, और चलो घूमाए देव बर्धन, ईशिका नाथ, ब्रिटिशियस रेशमी और मोम की रसोई रसोई सलीद, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो इन सब दोस्तों ने हम लोगों को यानी कि जर्नी एक्सप्रेस को बहुत ही सपोर्ट किया और अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी को हम जर्नी एक्सप्रेस धन्यवाद देते हैं। जिन दोस्तों के नाम छूट गया वो दोस्त प्लीज़ बुरा मत मानिए, हम अगले वीडियो में ज़रूर आप लोगों का नाम लेंगे। तो फिलहाल यही तक, और जर्नी एक्सप्रेस देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जनों ने हम लोगों से कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, अपना दुजन बांगाली हिंदी ते कथा बोलें क्या नो? ये भाई जो हिंदी भाषी है ना उनके लिए नहीं है, ये बांग्ला भाषी उनके लिए है। तो उन जो बांग्ला भाषी है उन्हें ही बोलना चाहता हूँ ये देखुन, अपना जो बाहरे जान जाए जेखने ही जान शिमला टिमला जेखने ही जान सेखने अपनी बांग्लाते तो बोलें ना, सेखने अपनी हिंदी ते बोलें। আর আমাদের একটা টার্গেট হচ্ছে আমরা বাংলার বাইরে বাংলাকে প্রসিদ্ধি করতে চাই, তাই বাংলার বাইরে বাংলাকে প্রসিদ্ধি করানোর জন্য যেই ভাষাটা দরকার সেটা হচ্ছে হিন্দি, বুঝতে পারছেন তো? তাই আমরা বাঙালিরা সবাই কম বেশি হিন্দি বুঝি। তো যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকে দেন কমেন্ট জানান যে আপনারা হিন্দি করবেন না আমরা দেখব না, আপনি বলুন আমরা একটা পোল করে দেব যে আপনি হিন্দি চান কি বাংলা চান। আপনারা যদি বলেন যে আমরা বাংলাই চাই
তাহলে আমরা বাংলা আর করবো না, আমরা হিন্দিতে চলে যাব। হিন্দি ভাষীরা জিন্দাবাদ। গালি মারবেন না কিন্তু, খারাপ কথা বলবেন না যে এনারা এরম কেন কথা বলছে, মনের ভাবনাটা বুঝতে পারলেন তো? ওই ওই বাত শব্দ পে মত যাইয়ে ভাবনাকে সমঝিয়ে। তো ব্যাপারটা হলো কি বলুন তো, আপনাদের জন্যই বলছি, বিশেষ করে যা বাঙালি আছে পশ্চিমবঙ্গে, যে কটা টুরিস্ট স্পট আছে সেই কটা টুরিস্ট স্পটের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেসব লোকেরা থাকেন তারা অনেকেই জানেন না। অনেকে পশ্চিমবঙ্গ বললে দার্জিলিং, সুন্দরবন, বিষ্ণুপুর, কয়েকটা কয়েকটা দীঘা, এইসব জায়গাগুলোই জানে। ফলে এই জায়গাগুলো আমরা চাইছি ওনাদের কাছে যাক ইনফরমেশনগুলো, যাতে ওনারাও জানুক যে পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক টুরিস্ট স্পট রয়েছে। এই কারণেই হিন্দিতে করা। আপনাদের অনেকের অসুবিধা হয় বুঝতে পারছি, আপনারা বলেন যে বাঙালি হয়ে কেন বাংলায় করছেন না। তো আমাদের টার্গেটটা ওটাই আছে যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যারা থাকে তারা পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে জানুক। হিন্দি ভাষী যো হ্যাঁ যো বাঙালকে বাহার সে দেখ রহে হ্যাঁ বাঙাল, ও আগর সোচতে হ্যাঁ কি আর বাঙাল মে ক্যা দেখনা, আইয়ে বাঙাল মে আইয়ে তো দেখনা বহুত কুছ হ্যায় ইয়াহ পে ইয়ার। আপনি সিফ সুলাই দার্জিলিং হ্যায়, দার্জিলিং কে আলাবা ভি বাঙাল মে বহুত কুছ হ্যায় ইয়াহ। আর সাবস্ক্রাইব করনে কে বাদ টিং 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 জরুর কিজিয়ে, ঠিক হ্যায়। তো আপ লোগ তো বহুত কো বহুত জনো কো সাবস্ক্রাইব করতে হো ইয়ার, এক চ্যানেল কো আর সাবস্ক্রাইব কর দো, ক্যা বাত হ্যায়। দেখো পড়খো আর সমঝো কি ইন লোগ দুসরে লোগো সে ক্যাসে অলগ হ্যায়। আগর কুছ ইউনিক হ্যায়, আগর কুছ হাম লোগ অলগ করনে কি কোশিশ কর রহে হ্যায় তো আপ উসকা সহভাগী বানিয়ে বানিয়ে, আর ক্যা।